नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है आदित्य झा और मैं स्वागत करता हूं आपका इस कार्यक्रम में जिसका नाम है, बहुत अच्छी बात है, सबको यहां याद हो गया भाई हमारा कार्यक्रम का जो नाम है। और सब्सक्राइब अगर कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में पढ़ता रहता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार की बात है, एक बहुत बड़े प्रोफेसर थे दोस्तों, बहुत बड़े प्रोफेसर थे वो, बहुत बड़े एक लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाते थे, बहुत विख्यात थे, बड़ा नाम था उनका। और उनके बारे में ये कहा जाता था कि आप उनके सामने अगर कोई भी प्रॉब्लम लाओ तो उसे हल ज़रूर कर देते थे, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो। तो ये भी बहुत बड़ी बात थी। तो एक बच्चा जो था उसने कहा कि मैं आपके साथ इंटर्नशिप करना चाहता हूँ, आपके मतलब आपके साथ रहकर मैं इंटर्नशिप करना, मैं सीखना चाहता हूँ। लेकिन वो स्टूडेंट ये देखना चाहता था, वो स्टूडेंट दोस्तों ये नहीं देखना चाहता था कि इंटर्नशिप क्या होता है, वो देखना चाहता था कि ये जो उनके बारे में मैंने सुना है, ये जो मैंने इनके बारे में सुना है कि ये हर प्रॉब्लम का एक गजब सोल्यूशन देते हैं, मैं ये चाहता हूँ। बहरहाल उसने शुरू किया इंटर्नशिप करना उन प्रोफेसर के साथ। कहानी आगे बढ़ी दोस्तों, और उसके बाद एक बार की बात है, उसी प्रोफेसर जब वो थे वहाँ पे थे तो वो बच्चा वहाँ सीख रहा था, कई स्टूडेंट्स आए वहाँ पे, काफ़ी स्टूडेंट्स आए। और कुछ स्टूडेंट्स ने कहा, कंप्लेन लाकर ये कहा कि देखिए प्रोफेसर साहब, मुझे एक चीज़ से बड़ी आपत्ति है, हमारे मेस का खाना ठीक नहीं। तो प्रोफेसर ने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं ज़रूर बात करूँगा, कोई दिक्कत नहीं। प्रोफेसर साहब ने बात की, अगले दिन फिर वो आए, बोले कि देखिए प्रोफेसर साहब, आपने क्या बात की, सच में मेस का खाना ठीक नहीं, क्या है। अच्छा अभी भी नहीं ठीक हुआ, ओके ओके ओके, ठीक ठीक ठीक, मैं करता हूँ, मैं कुछ करता हूँ। उसके बाद फिर गए, फिर दो दिन बाद, देखिए प्रोफेसर साहब मेस का खाना अच्छा नहीं है। अच्छा क्या प्रॉब्लम है मेस के खाने में। मेस के खाने में प्रॉब्लम ये है प्रोफेसर साहब कि टेस्ट नहीं है, नहीं है टेस्ट। लेकिन अब बेटा ऐसा है कि तुम आए तो हो कॉलेज, घर का खाना मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, बहुत हालत ख़राब है। प्रोफेसर साहब ने कहा कि ठीक है, मैं फिर से बात करता हूँ। एक हफ्ते बाद फिर वही प्रॉब्लम, फिर वही इशू कि देखिए प्रोफेसर साहब, मेस का खाना ठीक नहीं है। अब प्रोफेसर साहब और ये जो बच्चा था जो इंटर्नशिप कर रहा था इनके साथ, ये सब देख रहा था, ये देखना चाह रहा था कि प्रोफेसर साहब करते क्या हैं इस पे, कैसे वो उस खाने को और स्वादिष्ट बना देते हैं। कहानी आगे बढ़ी, एक हफ्ते बाद जब वो पांच स्टूडेंट्स फिर आए ये कहते हुए कि देखिए खाना अच्छा नहीं है प्रोफेसर साहब, तो ये प्रोफेसर साहब जो थे उन्होंने कहा कि अच्छा सुनो सुनो सुनो, खाने के बाद हम लोग बाद में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे एक बात बताओ, मैं जोक सुनाना चाहता हूँ तुम सबको, मैं एक जोक सुनाना चाहता हूँ सबको, ठीक है। उन्होंने एक जोक सुनाया, सब ठहाके ठहाके मतलब मार मार के हंसे, इतनी अच्छी जोक थी, स्टूडेंट्स भी हंसा, इतनी अच्छी जोक थी, इतनी प्यारी जोक थी वो, इतनी रोचक जोक थी वो। उसके बाद उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, सब हंसे हंसे चुप, मैं एक और जोक सुनाना चाहता हूँ, ठीक है। प्रोफेसर साहब ने फिर वही जोक दोहराया, फिर सब हंसे, अच्छा अच्छा एक जोक और, एक जोक और, हाँ हाँ क्या क्या क्या, फिर वही जोक। अब कुछ हंसे कुछ नहीं हंसे, एक बार और मैं सुनाना चाहता हूं यही जोक, फिर वही जोक, फिर कुछ हंसे कुछ नहीं हंसे। इस बार जो हंस रहे थे उन लोगों की जो मात्रा थी वो कम होने लगी। पांचवी बार फिर वही जोक, अब सिर्फ दो लोग हंस रहे थे। छठवीं बार जब उन्होंने जोक सुनाया कोई नहीं हंसा। प्रोफेसर साहब ने कहा कि मुझे एक बात बताओ, जब मेरे एक ही जोक पर तुम सारे उतना नहीं हंस सकते हो जितना पहली बार हंसे थे, तो एक ही प्रॉब्लम को बार 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 मेरे पास लाके क्यों उस प्रॉब्लम में फंसे हुए हो। अरे भाई दुनिया में बहुत सारी प्रॉब्लम है, हो सकता है मेस का खाना अच्छा नहीं हो, मैंने बात किया ऐसा नहीं है, लेकिन एक हफ्ते से वही प्रॉब्लम दोहराए जा रहे हो तुम। क्या तुम्हें नहीं लगता कि और भी प्रॉब्लम है दुनिया में, या तुम एक स्टूडेंट हो, तुम एक छात्र हो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, भी एक प्रॉब्लम हो सकता है, या चल रही है कि नहीं चल रही है, भी एक प्रॉब्लम हो सकता है, कि रात को लाइटें कब बंद हो जाती हैं हॉस्टल में, वो भी एक प्रॉब्लम हो सकता है, कि घर पे क्या चल रहा है, वो भी एक प्रॉब्लम हो सकता है, कि मेरे पैसे कितने बच रहे हैं कितने नहीं बच रहे हैं, वो भी एक प्रॉब्लम हो सकता है, कि भाई मेरा सोशल स्टेटस कैसा है, वो भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। तुम्हें इतनी प्रॉब्लम्स अगर तुम चाहो तो बना सकते हो, एक ही प्रॉब्लम पे तुम बार बार क्यों मंथन कर रहे हो। ये लड़का जो उनके साथ इंटर्नशिप कर रहा था दोस्तों, वो बिल्कुल समझ गया, और उसकी सीख ये थी कि उसने समझ गया कि जिस तरह से
हम एक जोक पर 5 या 6 बार नहीं हंस सकते, उसी तरह से दोस्तों इस लड़के की सीख हम दोनों की सीख है, हमारी और आपकी सीख है कि प्रॉब्लम हमारे जिंदगी में जरूर आएगी दोस्तों, लेकिन एक ही प्रॉब्लम पर मंथन करना, अड़े रहना दोस्तों इससे कुछ नहीं होने वाला है। रेमेडी हर जगह है दोस्तों, जहां देखिएगा वहां एक प्रॉब्लम का सलूशन है। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम का सलूशन नहीं होता, लेकिन वही है कि हम अपनी पूरी तरह आंख खोलकर हर एक प्रॉब्लम में सलूशन नहीं ढूंढते हैं, हम एक हर एक प्रॉब्लम में प्रॉब्लम ढूंढते हैं और फिर वो एक साइकिल बन जाता है, प्रॉब्लम। जिस दिन दोस्तों हमने ये आदत शुरू कर दी कि हम हर एक प्रॉब्लम में सलूशन ढूंढने लगे, यकीन मानिए दोस्तों आपकी वो मानसिक स्थिति ऐसी हो जाएगी कि आपको कोई भी प्रॉब्लम अगर आएगा तो आप सोल्यूशन ढूंढने लगेंगे। और एक समय आएगा कि कितना भी पहाड़ का प्रॉब्लम क्यों ना आए, और आएगा ही, अरे भाई दुनिया में है, इस दुनिया में सबको प्रॉब्लम्स आते हैं, सुख दुख तो है ही, जब पहाड़ के भी दुख आएंगे तो आप ये नहीं कहेंगे भगवान क्या हो गया, आप निराश नहीं होंगे दोस्तों, आप उस पहाड़ के दुख में भी क्या ढूंढेंगे, सोल्यूशन। आपको पहाड़ का दुख भी एक छोटा मोटा दुख लगेगा, एक प्रॉब्लम लगेगा। इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूँ, अच्छे से सोइए, इस बातों पर, इन बातों पर मंथन करते हुए सोइए, ख्याल रखिए, सेफ रहिए।